नवादा और गोविंदपुर के राजद विधायक ने 200 ऑक्सीजन सिलेंडर जिला प्रशासन को सौंपा। नवादा से अनिल शर्मा की रिपोर्ट। नवादा के कोरोना मरीजों के परिजनों को ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए अब दर दर की ठोकरें खाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी को नवादा व गोविंदपुर के राजद विधायक ने पूरा करते हुए आज 200 ऑक्सीजन सिलेंडर जिला प्रशासन को सौंपा है। कोरोना मरीजों के लिए भगवान साबित हो रहे गोविंदपुर के राजद विधायक मोहम्मद कामरान और नवादा के राजद विधायक विभा देवी जनता के लिए 200 ऑक्सीजन सिलेंडर दुबई से मंगवाया है। ऑक्सीजन सिलेंडर विशेष विमान से दुबई से दिल्ली एयरपोर्ट पर सोमवार को ही पहुंच चुका था। विधायक मोहम्मद कामरान ने बताया कि दोनों विधायक के निजी फंड से खरीदा गया 200 ऑक्सीजन सिलेंडर शुक्रवार को नवादा पहुंचा। उन्होंने कहा कि हम लोगों का प्रयास है कि नवादा की जनता को ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं हो और कोरोना मरीज 100% स्वस्थ होकर अपने घर जा सके। इसी को लेकर दुबई से ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाया गया है। आपको बता दें कि पूर्व में भी अपने निजी फंड से विधायक मोहम्मद कामरान ने 50 बेड कोरोना मरीजों के लिए उपलब्ध कराया है। इसके अलावा अपने विधायक फंड से 25 लाख रुपए 5 वेंटिलेटर खरीदने के लिए जिला प्रशासन को दिया है। वहीं नवादा के राजद विधायक विभा देवी ने पिछले वर्ष 1,25,00,000 रुपए सरकार के फंड में दी थी और इस वर्ष अपने क्षेत्र की गरीब जनता के लिए सामुदायिक किचन चला रही है। बताया जाए मैडम, जो दुबई से चल के आई है सिलेंडर 200 सिलेंडर, 100 कमरान जी दे रहे हैं, 100 विभा जी दे रहे हैं। हम लोग कोरोना काल में जहाँ तक के हम कंपनी से रुपया पर मेरा परिवार चला रहा है, उसी को रुपया से हम अपना COVID-19 में दे रहे हैं। कोई राजनीतिक वाला रुपया नहीं है ना, तो हम राजनीतिक को मैंने काम कर रहे हैं, जनता के काम कर रहे हैं, गरीबों के काम कर रहे हैं, करवा रहे हैं अपना परिवार को भी। खाना बना करके हम देते हैं, वो जीतू जी जी अपना पहुंचाता है, जो मर जाता है छोड़ के चले जाते हैं उसका भी जान जोखिम में डाल करके अदक संस्कार कर दिया जाता है। सही।